दुर्ग के एफसीआई गोडाउन से परिवहन करने वाले ट्रक संचालकों के साथ भेदभाव और लोकल परिवहन करने वालों को छोड़ बाहर के लोगों से काम लिए जाने से नाराज दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने दुर्ग पुलिस से गुहार लगाई। दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने शनिवार को दुर्ग मोहन नगर थाना और दुर्ग सीएसपी चिराग जैन से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। पीड़ा में उन्होंने बताया कि दुर्ग के एफसीआई से टेंडर के माध्यम से पिछले 40 वर्षों से ढलाई का कार्य किया जा रहा है, पर अब किसी मंगला राइस मिलर के माध्यम से टेंडर लेकर स्थानीय लोगों को कार्य से वंचित किया जा रहा है। ट्रक मालिक संघ ने अपनी बात रखने दुर्ग मोहन नगर थाना और सीएसपी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने जब दुर्ग सीएसपी चिराग जैन से मामले के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने इस मामले में कहा कि किसी भी तरह से शासकीय कार्य में बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जिससे असमंजस में दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने अपने अधिकार को 5 ट्रक चालक के परिवार के पेट के खातिर सड़क पर धरना देने की बात कही। ऐसा है कि यहाँ पे टेंडर जो भी लेता है दुर्ग में, वो हमारी गाड़ियों के माध्यम से टेंडर की ढुलाई करवाता है। ये 40 साल से वैसा ही चलता आ रहा है। एक व्यक्ति कवर्धा का, जिसने सिर्फ 15 ट्रिप ही उठाने हैं, वो 15 ट्रिप उठाने के चक्कर में 500 मोटर मालिकों के परिवार के पेट में लात मार रहा है। पुलिस प्रशासन के पास आते हैं तो वो बोलते हैं शासकीय काम में बाधा उत्पन्न मत करिए। वो टेंडर ले रहे हैं, उनकी मर्जी है देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा सर 40 साल से तो हम लोग ढोते आ रहे हैं ऐसे। उनका कहना जो भी हो, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। भले आदमी भूख से मर जाए, शांति भंग मत करे, भूखा आदमी चिल्लाए मत, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बस शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, जो सुचारू रूप से चलता आ रहा था वो चलता रहे, गरीबों के पेट में लात ना लगे, ये गुजारिश है हमारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी नेता का ही हाथ है इसके पीछे में, जो इनको दबाव पड़ा हुआ है। ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उसी किसी नेता के साथ में लिंक है उसका, मेरे को ऐसा आभास है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी करें। निवेदन यही है कि गरीबों के पेट में लात ना मारते हुए काम जैसे सुचारू रूप से चल रहा था वैसे नहीं होता तो हम जाके रोड में धरना देंगे, बैठेंगे। अपने पेट की लड़ाई है, पेट की लड़ाई के लिए तो आदमी रोड में बैठेगा ही बैठेगा। ये मैडम ने आज तो थाने में बुलाया था कि 11 बजे आके उपस्थित हो, और एफसीआई दुर्ग में कुछ राइस मिल के द्वारा वहाँ से माल उठाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा लोकल काम किया जाता है, और हमने कल उनको अपने फ़ोन से लेकर उनको जानकारी दी कि सर आपका डीओ कटा हुआ है और आप यहाँ से माल उठा रहे हैं। तो उनसे फ़ोन में ये बात हुई कि हाँ, हम कवर्धा यूनियन के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो हमारा कहना ये था कि सर हम यही काम करने के लिए बैठे हैं। आप अपना काम लेवी में, धान उठाने में, सब जगह कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। आपने अपने काम के लिए गाड़ियाँ ली हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए जो ये लोकल की व्यवस्था है, ये आप हमको भी बुकिंग दीजिए। तो पहले तो उन लोगों ने बोला मैं देख लूँगा, मंगला राइस मिल अपना बताया, आपको अंदर करवा दूँगा, शासकीय काम में बाधा। हम तो शासन का ही काम करते हैं जी, रेक आज लगी हुई है, रेक का काम पूरा परिवहन करते हैं। फोर्थ में हमारी 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ, बस्तर में फर्स्ट चरण का चुनाव निपटा लिए हैं, दूसरे चरण के लिए अभी इस तरफ गई हुई, आज भी 7 गाड़ी बस्तर से भानपतापुर गई हुई हैं। हम तो शासन का काम करने के लिए ही बैठते हैं, लेकिन उनके द्वारा धमकी दी जा रही है, तुमको देख लूँगा, तुमको जमानत नहीं होने दूंगा। हमारा कहना यह कि हमारी गलती क्या है। आज मैडम ने हमको बुलाया, हम मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। कल 11 बजे मैडम ने बुलाया है, तो उनसे पूछ के हम अपना पक्ष रखेंगे और मैडम को बोलेंगे मैडम उचित मार्गदर्शन दीजिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या है सर? हम तो कोई डिमांड कर ही नहीं रहे ना, हम तो अपने पेट की लड़ाई के लिए बोल रहे हैं कि आप शासन की तरफ से माल उठा, जबकि उनको ट्रांसपोर्टिंग का शासन की तरफ से पूरा पैसा दिया जाता है। यदि हमने ये भी बोला कि आपको आपका हमारा भाड़ा ज्यादा लगता है, तो आप उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोकल गाड़ियों के लिए माल तो दीजिए। लेकिन उनका बार बार ये धमकी दी जाती है कि मैं तुमको जमानत नहीं होने दूंगा, तुमको देख लूंगा, क्या देखना चाहते हैं हम समझ में नहीं आया। और मंगला राइस मिल छबड़ा ट्रांसपोर्ट, ऐसा करके उन्होंने बताया था अपना परिचय। सवर्दा, मैं दुर्ग तक मालिक संघ के शेयर थोड़ी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।